कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब, पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर, डाउनलोड पगार खाता। का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल डीएमसीएच की क्या स्थिति है, क्या हाल है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। लेकिन आज जो हम तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं वो देख के आप हैरान और परेशान हो जाएगा। हम इस वक्त खड़े हैं डीएमसीएच के ही परिसर के सामने, आउटडोर के पास। ये डीएमसीएच का आउटडोर विभाग है यहीं दाहिने तरफ में, और ठीक आप पीछे देख रहे हैं वो सुपर स्पेशलिस्ट है, बड़ा बिल्डिंग है, नया बिल्डिंग है। उसके ठीक दाहिने तरफ ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आउटडोर का मुख्य द्वार है। यहाँ तमाम तरह की, देखिए कुछ गाड़ी है लगी हुई, लेकिन कचरों का एक तरह से अंबार है उसके ठीक पीछे। यही वजह है कि इन कचरों के कारण दूसरे रास्ते से लोग अब अस्पताल में इलाज कराने जा रहे हैं। यहाँ मुख्य द्वार को ही बंद कर दिया गया है। और ठीक उस आउटडोर के बगल में जो ये सड़कें आप देख रहे हैं ये मुख्य सड़क है अस्पताल आने का। हालांकि यहाँ निजी वाहन भी आपको दिखाई देंगे जो आते जाते रहते हैं, लेकिन आम तौर पर अमूमन यहाँ से मरीज और उसके एम्बुलेंस सेवा इत्यादि इधर से जाती है। और ठीक उसके बाएं तरफ ये देखिए कचरों का अंबार, किस तरह से यहाँ कचरों का ढेर लगा है, या यूँ कह लें कि कचरों के ढेर पे ही डीएमसीएच अस्पताल है, तो कोई इसमें गुरेज नहीं है। और आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देख के कि यहाँ जो इलाज कराने आते होंगे मरीज वो इलाज करा के ठीक अगर हो रहे हैं तो कई लोग इस कचरों से इन्फेक्शन होकर बीमार भी हो रहेंगे, ये उसकी आखिर कौन सुधि लेगा। ये देखिए ये पूरा इलाका, ये आवारा पशु यहाँ किस तरह से उनके लिए तो ये चारा गिरी बन गया है, और सब यहाँ आराम फरमा रहे हैं, सड़क के किनारे हैं। ठीक कचरे के उधर देखिए वो प्रसूति नर्स हॉस्टल है सटे हुए, वहाँ लोग नर्स सिस्टर लोग रहती है, पता नहीं वो किस हाल में रहती होगी। उसके ठीक बगल में जो है प्रशासनिक भवन है, अस्पताल अधीक्षक रहते हैं, अस्पताल अधीक्षक के बगल में स्त्री प्रसूति विभाग है, गैनिक वार्ड जिसे कहा जाता है, वहाँ ऑपरेशन होता है। इस गंदगी के सराउंडिंग हर कह दे 500 मीटर के इर्द गिर्द सभी इम्पोर्टेंट विभाग है, आपातकालीन सेवा भी यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर होगा, तब ये हाल है। हम पूछते हैं, जानते हैं यहीं के लोकल लोग से कैसे यहाँ पे रहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सदर आलम खान हुआ, मैं यही रहमगंज का ही पड़ोसी हूँ। कैसे रहते हैं यहाँ, क्या करते हैं आप? यहाँ तो सर हम लोग समझिए नरकीय जिंदगी जी रहे हैं। इस डीएमसीएच के पास हम लोगों का घर है, ये समझिए हम लोगों के लिए एक तरह से श्राप है। श्राप इसलिए है कि आप देख सकते हैं कि चारों बगैर गंदगी ही गंदगी है, हम लोग किस तरह से जी रहे हैं ये तो भगवान ही जानते हैं। और रही बात इस कचरे की बारे में, तो इस कचरे के बारे में हम लोग जो है यहाँ के जिला प्रशासन बड़े बड़े पदाधिकारी को भी कंप्लेन किए हैं, मुंह से भी बोले हैं, लिखित में भी दिए हैं। और ये सुपरिटेंडेंट जो है यहाँ के, इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। ये सवेर में इधर से जाते हैं, शाम में फिर इधर से जाते हैं, मगर उनको यह कचरा दिखाई नहीं देता है। हम लोग कहते कहते सर थक चुके हैं। डर लगता है, इसमें किस तरह का कचरा, मेडिकल का कचरा, अस्पताल कचरा कि बाहर का कचरा, क्या ये सर? टोटल अस्पताल का कचरा है, और ये अस्पताल के कचरा को एकदम मुख्य द्वार पर, ये नाका 6 है सामने, और ये समझिए एकदम डीएमसीएच का मुख्य द्वार है ये, और उसी के द्वार पर इस कचरा को शोभा के लिए रखा गया है। और यहाँ के लोकल आदमी को इससे कितना बेर बीमार पड़ चुके हैं। डर लगता है आप लोग को? डर क्या सर, भय से हम लोग तो जी नहीं पा रहे हैं यहाँ पे। डर तो इतना है कि कब हम लोग मर जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। आप देख सकते हैं कितना बुरा बुरा जानवर यहाँ पे आए दिन, लोग जो है इधर से कभी कभी जब बारिश हो जाता है तो इतना इतना पानी लग जाता है यहाँ पे, ये कचरा पूरा रोड पे आ जाता है। लोग इधर से नहीं गुजरते हैं, उधर से गुजरते हैं बगल से, मगर इस रूट से नहीं गुजरते हैं कि संक्रमित हो जाएंगे। ये कोरोना काल में, ये कोरोना काल में भी ऐसे ही रहा सर। तो ये नीला जो किट देख रहे हैं उजला, वो क्या है? ये सर टोटल कचरा है, ये नगर निगम का भी कचरा यहीं ड्रॉप होता है। कोरोना काल है उसका भी जी यूज टोटल, ये टोटल कोरोना का जितना भी ड्रेस है, जितना भी नीडिल है सर, ये टोटल कोरोना का लाके पूरे डीएमसीएच का कलेक्ट करके यहाँ पे फेंका जाता है। और इसके लिए हम लोग आंदोलन भी किए हैं, मगर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। सफाई कर्मी को भी बोलते हैं, वो लोग भी हम बोलते हैं कि हमको सुपरिटेंडेंट का आदेश है,
तो आप सुपरिटेंडेंट को अगर कचरा मुंह पे रख के और अस्पताल चलाने का शौक है तो इससे बड़ा शौक और क्या कर सकते हैं। नगर निगम की टीम आती है इसको? नगर निगम की टीम आती है, देख के चली जाती है। नगर आयुक्त कितना बेरा है यहाँ पे देख के गए हैं, मगर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ये मेरा नाम मोहम्मद सदर आलम खान हुआ, मैं रहमगंज। तो ये थे सदर आलम जो अपना दर्द बता रहे हैं, चूँकि यहाँ पे पौश इलाका, अस्पताल के अलावे बस्ती भी है तो वहाँ ये लोग रहते हैं। लेकिन इन लोग का कहना है कि यहाँ का जो दुर्गंध है और जो ये कचरा है, इससे जो होने वाला संक्रमण है, इसके बीच वे लोग खतरों के बीच एक तरह से रहते हैं, जान हथेली पे यूँ कहें कि जो है। आगे हम इस पर बात करने के लिए आपको सुनवाएंगे, हम बात भी किए हैं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मणिभूषण शर्मा से, हम उसमें भी सुनाएंगे कि आपको वो क्या कह रहे हैं। अस्पताल परिसर इतना खाली जगह यहाँ पर है, किसी चीज़ को बनाने के लिए जगह नहीं है। यहाँ अस्पताल एरिया से ज़्यादा खाली जगह ही है, तो वेयर देयर इज स्टेग्नेशन देयर इज इन्फेक्शन। खाली जगह मिलेगा तो जिसको मन करता है कचरा फेंक देता है। ये सदियों से समझिए, बहुत दिनों से समझिए जो ये कचरा का ढेर है। हम लोग तो पहले कहे कि इसी पर कोई कंस्ट्रक्शन बन जाए जो न रहे, तो वो अभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो कचरा का ढेर है उसको हम लोग नगर आयुक्त महोदय से सामंजस्य स्थापित कर चाह रहे हैं, जो और अपना जो आउटसोर्सिंग है उसको भी कहे हैं कि तुम केवल अपना नॉर्मल कचरा वहाँ रखो, बायोमेडिकल वेस्ट का एकदम एक पीस नहीं जाना चाहिए, वो मुजफ्फरपुर चली जाती है। और सामंजस्य स्थापित करके जो ही समय लगे धीरे धीरे उस कचरे को साफ कराने का प्रयास किया जा रहा है। अंबार है वहाँ पर कचरे का, लेकिन नगर आयुक्त से हम लोग सामंजस्य स्थापित कर जितना जल्दी होगा उसको हम लोग साफ करवाने का कोशिश कर रहे हैं। अरे इन्फेक्शन तो मान लीजिए सूरज की रोशनी में सब मर जाता है कीड़ा। इन्फेक्शन तो चारों तरफ है, इन्फेक्शन किसको कब लगेगा ही कहना, लेकिन अस्पताल परिसर ऐसा नहीं रहना चाहिए, साफ होना चाहिए जिस पर हम लोग लगे हुए हैं। विधायक जी बताइए, क्या क्यों ये कचरों के ढेर पे अस्पताल बना रहा है? नहीं, 5-6 दिन पहले कचरा उठाव प्रारंभ हुआ था, बारिश हो गई, लेकिन कचरा का उठाव वो होना चाहिए। जिला पदाधिकारी को भी मैंने कहा है, DMCH के सुपरिटेंडेंट को भी कहा है, नगर आयुक्त को भी कहा है, मेडिकल वेस्ट जो है DMCH आउटसोर्स, जो भी प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, जो मेडिकल वेस्ट निकलता है उनको जो है निस्तारण के लिए उस अस्पताल की ही व्यवस्था करना है। और DMCH ने आउटसोर्स किया हुआ है, आउटसोर्स एजेंसी को कचरा उठाना है, या नहीं तो नगर आयुक्त को, नगर निगम को कचरा उठाना है, वो DMCH के अंदर, ये सही बात नहीं है। जो कचरे की स्थिति है वो बहुत गंभीर है, मैंने अपने प्रभारी मंत्री जी को भी कहा है, जिला पदाधिकारी को भी कहा है, जिला पदाधिकारी ने संज्ञान भी लिया था, लेकिन फिर हम लोग देख रहे हैं 1-2 दिन होने का कचरा जो है वैसा ही का वैसा पड़ा, उसका विलंब उठना चाहिए। ये किसी भी हालत में इतने बड़े अस्पताल के अंदर में कैंपस में ये कचरा कहीं से भी उचित नहीं है, इसको अविलंब हटाना चाहिए। इन्फेक्शन का खतरा है ना उस जगह? निश्चित रूप से, जिस हिसाब से वहाँ पर कूड़ा है DMCH कैंपस में, कूड़ा का ढेर, ठीक बोल रहे हैं आप, उसको अविलंब हटना चाहिए। मैंने नगर निगम को भी कहा है, DMCH को भी कहा है, जिला पदाधिकारी को भी कहा है, प्रभारी मंत्री को भी कहा है जो नए प्रभारी मंत्री बने, और प्रभारी मंत्री माननीय प्रभारी मंत्री ने भी जिला पदाधिकारी को और नगर आयुक्त को कहा है, तो निश्चित रूप से अविलंब वो हटना चाहिए। ये गंभीर बात है, उसको अविलंब उस कूड़े को जो है उस कचरा को हटना चाहिए, और हटने के बाद वहाँ कुछ कचरा नहीं लगे ये जवाबदेही DMCH प्रशासन की है, वहाँ किसी हालत में भी नहीं लगना चाहिए। लापरवाही किसकी दिख रही है, अस्पताल प्रशासन की, नगर निगम की, जिला प्रशासन की? नहीं, निश्चित रूप से वो तो DMCH का कैंपस है, DMCH का कैंपस है, तो DMCH को उस कूड़ा को हटाने का जवाबदेही उनका आउटसोर्स है, उनको जो है निश्चित रूप से आउटसोर्स एजेंसी पर कार्रवाई करनी चाहिए जो कचरा नहीं उठाता है, तो क्योंकि DMCH कैंपस की साफ सफाई की व्यवस्था तो DMCH को ही देखनी है। तो ये थे नगर विधायक संजय सरावगी, जिन्होंने साफ तौर पर माना कि अस्पताल में इस तरह का कचरा होना कहीं से भी जायज़ नहीं है। हालांकि इसकी जिम्मेवारी नगर निगम से ज़्यादा उन्होंने अस्पताल प्रशासन को ही दिया, क्योंकि इन कचरों का निस्तारण करना अस्पताल प्रशासन की ही जिम्मेवारी है। अब देखना है इनके आश्वासन के बाद कि आखिर कब तक ये कचरा हटता है और इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन अस्पताल प्रशासन निकाल पाती है। प्रहलाद कुमार, बिहार तक, दरभंगा।